हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का 9 पार्ट और इसके बाद 10 पार्ट भी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों में देखिए तो सेम चीज़ें ही लिखी हुई हैं। प्लस के इधर जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, प्लस के राइट साइड में जो यहाँ है वही यहाँ पर भी है ना। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सेम ही चीज़ है तो क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना। एक्स अपॉन 2 प्लस 3 y अपॉन 4, एक ही चीज जब दो बार है और मल्टीप्लाई में है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अब आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ गई होगी कौन सी लगेगी, प्लस है और होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यही वाला लगेगा। चलिए लगा दीजिए आइडेंटिटी, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ऐसे ही लिखो, एक्स अपॉन 2 प्लस 3 y अपॉन 4 और होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है हमारा, ये ए जो है प्लस के लेफ्ट साइड में ए, तो ए की जगह पे हमारा पूरा एक्स अपॉन 2 है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि केवल एक्स है या केवल 2 है, पूरा है, जितना भी प्लस किधर होगा पूरा होगा। तो यानी एक जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन 2, और जब स्क्वायर भी करेंगे तो पूरे का करेंगे, ऊपर वाला और नीचे दोनों का। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं लगाओ तो केवल ऊपर वाला का स्क्वायर होगा, नीचे वाला का नहीं होगा, फिर ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाएगा। प्लस 2 है तो 2 इंटू, ए की जगह फिर वही लिखेंगे एक्स अपॉन 2 इंटू, बी की जगह क्या है, 3 y अपॉन 4, 3 y अपॉन 4, प्लस है प्लस लगा दो। अब बी की जगह वही लिखेंगे 3 y अपॉन 4 और स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर ऐसे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, केवल वाई का स्क्वायर माना जाएगा वो, जबकि स्क्वायर तो पूरे बी का होना चाहिए ना, और बी की वैल्यू ये पूरा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर भी होगा तो दोनों का होगा, ऊपर भी नीचे भी, एक्स का स्क्वायर तो एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई होता है और फ्रैक्शन में होता है तो हम अगर कटता है तो काट देते हैं ना, यानी इस 2, ये 2 ऊपर है, ये वाला 2 नीचे है, अगर अकेला है तो ऊपर ही माना जाता है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर, ये दोनों तो खत्म हो गए, नीचे बचा 4 केवल ये वाला, और ऊपर क्या बचा है, 3xy, 3y का जब एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो बस चिपक चिपक के लिख उठेंगे, बस 3xy प्लस। इसमें भी सबका स्क्वायर होगा, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर वेरिएबल कॉन्स्टेंट सबका, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 9, और वाई इंटू वाई यानी वाई का स्क्वायर प्लस अपॉन, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आइए टेंथ पार्ट देख लेते हैं। टेंथ पार्ट देखने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का क्योरी है कि वो वीडियोस पाते नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो अगर आपको भी नहीं मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन नंबर डाल करके बाई अंकित सर इतना डाल दोगे एक्सरसाइज और क्लास अपना, तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा चीज़ देख सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक, और अगर आपको प्लेलिस्ट भी नहीं पता है तो अपने घर में किसी बड़े से पूछो जो जानते हो, जो मोबाइल चलाते हो, तो आपको पूरा दिखा देंगे। प्लेलिस्ट अगर आपको एक बार मिल गई आपके चैप्टर की, तो बड़े आराम से उसमें सारी चीज़ें लाइन से ही है, उसमें आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब लाइन से लिखे हुए। ठीक है, और वैसे हमको लगता है बड़े से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं आप लोग, और आजकल के बच्चे जो होते हैं बड़ों से भी थोड़ा बड़े होते हैं ना, सही कह रहे होंगे हम, तो प्लेलिस्ट में जाना सब लाइन से मिल जाएगा। ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए क्या करेंगे, सेम ही चीज है दोनों में ना, तो क्या इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हैं हम, 7a-9b और होल स्क्वायर, दोनों में सेम ही चीज है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ गई होगी कौन सी लगेगी, a-b का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि माइनस है, तो आइडेंटिटी लिख लीजिए एक बार, a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
B² ये बी स्क्वायर इधर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 7a - 9b² = अब यही हमारा आंसर इसी से आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर तो ए की जगह क्या लिखेंगे जो नाइन माइनस की इस तरफ होगा, तो माइनस इस तरफ हमारा 7 और ए है, तो 7a और दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस लगा दो, 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे 7a, इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह है 9b, 9b प्लस है प्लस लगा दो, और बी स्क्वायर है मतलब 9b का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा ना। माइनस से माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 से बन जाए 63, 2 जा 126, 126 वेरिएबल क्या क्या है a और b, 126 ab। ठीक, प्लस है प्लस लगाओ, इसका भी स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर होता है 81 और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा, b इंटू बी यानी b स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये था 10th पार्ट, और क्वेश्चन 1 में 10 पार्ट थे, और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।